Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel, which is Pakistani Mom Lifestyle in Europe. I hope you guys enjoying your winter vacation. आज हम आए हैं OVS स्टोर पर और स्पेशली मैं कवर करूँगी किड सेक्शन को. सो OVS स्टोर जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग क्लॉथिंग ब्रांड इन इटली और इनकी ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं इटली में और 30 से ज़्यादा ऑलमोस्ट 30 या 30 से ज़्यादा हैं ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो ये वेरी वेल नाउन ब्रांड है इन इटली और बच्चों के हवाले से बोलूँ तो मेरा फेवरेट ब्रांड है. मुझे तीन चार ही ऐसे ब्रांड हैं बच्चों से रेलिवेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ओवीएस इज़ वन ऑफ देम. सो आई होप यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ इंजॉय करेंगे ओवीएस स्टोर को और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी न्यू ईयर के बाद काफ़ी सारे स्टोर्स ने प्रमोशंस लगा दी होती हैं, सेल्स चल रही होती हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स पर. और ये ऐसा मंथ होता है जिसमें हर कोई मैड शॉपिंग करता है. हर एक कोशिश करता है कि अच्छे अच्छे ब्रांड से कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ को ख़रीद सके. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग यूरोप में रहते हैं या इटली में रहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ओवीएस स्टोर को, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं. मैं जब भी ओवीएस स्टोर में आती हूँ मुझे अपने जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ लेनी है, ऐसी टी शर्ट लेनी है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी पसंद का मिल जाता है. और ये जो सेक्शन में अभी आई हूँ ये मेरा फेवरेट सेक्शन है. और न्यूबॉर्न से रेलिवेंट चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है. और स्पेशली किड सेक्शन से रेलिवेंट बात करूं और वहां पर भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. और आज आपको लेके आने का मकसद भी यही था कि आप लोग खुद आएँ देखें मेरे साथ के ओवीएस स्टोर में कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसी प्रमोशंस लगी हुई हैं, किस किस चीज़ पर सेल लगी हुई है. और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है हमेशा ही ओवीएस की प्रोडक्ट्स को. ओवीएस से जो भी मैंने शॉपिंग की मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रही उस हवाले से. और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ओवीएस जो ऐसा स्टोर है कि यहाँ पर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है लोगों को कि वो ओवीएस पे ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेते हैं यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं. और जब मैं इंग्लैंड में थी मैं बहुत डिफरेंट स्टोर को ट्राई करती रहती थी, लेकिन मैं बच्चों के स्टोर पे बहुत कम गई थी. मोस्टली मैंने देखा है इंग्लैंड में लोग नेक्स्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए, और प्राइमार्क में सिर्फ तभी जाते हैं जब उन्हें कोई बच्चों की लेगिंग लेनी हो या कुछ घर के लिए नाइट ड्रेसेस वगैरह लेनी हो, ट्राउज़र वगैरह, कुछ टी शर्ट्स. तो लोग प्राइमार्क में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसा स्टोर है जो काफ़ी चीप है. और नेक्स्ट की तरफ से बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टाइलिश चीज़ें मिल जाती हैं इंग्लैंड में. लेकिन आज यहाँ पर जब मैं इंग्लैंड से यहाँ पर मूव हुई तो मुझे ये स्टोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी पसंद आया था. स्पेशली गर्ल्स सेक्शन मुझे हमेशा से ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ओवीएस में, क्योंकि लड़कों के सेक्शन में आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा. आप जब भी गर्ल सेक्शन में आएंगे आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं. और आप बताएं गाइस कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर के बाद, क्या कौन कौन से स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं. आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. और ये वाली जैकेट भी मुझे काफ़ी क्यूट लगी थी तो इसलिए मैंने ये निकाल के स्पेशली आप लोगों को दिखाई. इसके अलावा आगे चल के मुझे ये पिंक वाले शूज़ भी काफ़ी अच्छे लगे थे. मैंने कोशिश की थी कि ये भी शूज़ आपको दिखाऊं और काफ़ी क्यूट लग रहे थे. इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा घूम रही थी स्टोर में. और आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो. और आप लोग बताएं आप लोगों ने न्यू ईयर के बाद कौन कौन से स्टोर में शॉपिंग की, और न्यू ईयर से पहले कहाँ पर बॉक्सिंग डे में या जो भी आपको लगे आपके फेवरेट स्टोर हैं वहाँ पर आप लोगों ने क्या लिया क्या नहीं लिया, प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और मुझे शेयर कीजिएगा अपनी न्यू ईयर की शॉपिंग, शेयर कीजिएगा पिक्चर्स,
शेयर्स कीजिएगा। और बस यही मैंने अपनी फैमिली के लिए कोशिश की थी कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ले लूं, तो मैंने ली थी अपने लिए कुछ चीज़ें तरनोवा से, बच्चों की कुछ चीज़ें ली थी ओवीएस से, और उसके अलावा एक दो और स्टोर से चीज़ें ली थी। कुछ मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी शॉपिंग की थी और काफ़ी इन्जॉय किया था हम लोगों ने भी। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के लिए बस मैंने आपको यही दिखा रही हूँ कि इस शॉप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, बच्चों से रेलेवेंट कैसा डिस्प्ले था, उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें अभी क्या क्या चल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनकी इन स्टॉक हैं। बस यही चीज़ें मैंने कोशिश की थी कि आपको दिखाऊं आज के वीडियो में। और आप लोग बताएं आप लोगों को कौन कौन से स्टोर्स पसंद हैं इटली में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा और बताइएगा। इसके अलावा ये जो आपको जैकेट नज़र आ रही है पिंक और ग्रे कलर में, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक घूमती रही थी। और इसके अलावा ये गर्ल्स की पिंस का हेयर पिंस का स्टैंड था, इसमें कुछ ब्रशेस थे, हेयर पिंस थी, कुछ ब्रेसलेट्स थे, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, तो इसको भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किया। और इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाऊं, ऐसा कि मैंने इस सेक्शन को भी बहुत अच्छे से कवर किया था। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ये पूरा कंप्लीट टेंट का व्यू करवा सकूं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो में कवर कर सकूं। और माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आ रही थी। और हैंडबैग्स के बारे में बात करूं, यहाँ पर मुझे एक हैंडबैग था, काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था उसे लेके जाऊं, मैं खुद पहन लूं क्योंकि मैं अपनी वापस से एक छोटी बच्ची बन जाऊं और मैं ऐसे कैरी करूं, क्योंकि मुझे हैंडबैग्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू से ही है, अब मैंने बहुत ज़्यादा हैंडबैग्स लेती हूँ और मुझे हैंडबैग्स, लेकिन बच्चों के बाद आपको पता है बैग्स का साइज़ कुछ बड़ा हो जाता है, अपने से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, उनके डायपर्स, उनकी फीडिंग बॉटल, वाटर बॉटल, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब भी आप लोग बाहर जाएं तो आपको लेके जाना होती हैं। इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की चीज़ें लूँ और अपनी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करती। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये मेकअप का भी सेक्शन था, लेकिन मैंने इसको इतना कवर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम जब कभी आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। मेरा ज़्यादातर फोकस यही था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट्स, बच्चों से रेलेवेंट चीज़ें दिखा सकूं, और उसी सेक्शन को मैंने ज़्यादा कवर किया है अपनी वीडियो में। और आई होप कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा और इन्जॉय माई वीडियो। तो और अभी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल इन यूरोप। तो दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक ओवीएस। अभी मेरा ख्याल है मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, हैंड ग्लव्स वगैरह और कैप्स। मेरे जो बेटे हैं उनको स्पाइडरमैन काफ़ी अच्छा लगता है और वो कोशिश करते हैं, मेरा बेटा जब भी कहीं जाता है कहता है मामा आई वांट स्पाइडरमैन क्लॉथ, आई वांट स्पाइडरमैन शूज़, तो उसको स्पाइडरमैन के उसके पास काफ़ी सारी टी शर्ट्स हैं। और उसको पीजे मैक्स की भी आजकल, उसे आई थिंक जॉर्ज वाले कार्टून कुछ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आपको पता है बच्चों को कार्टून वगैरह देखने का काफ़ी शौक होता है और जब भी वो अपने कार्टून से रेलिवेंट चीज़ें बाहर देखते हैं तो काफ़ी होश होते हैं और उनको लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं उनको बाहर लेके जाती हूँ वो अपनी ड्राइंग्स बुक लेते हैं, अपनी कोई अगर उनको ग्लव्स या कैप या शूज़ पे ऐसे कोई कार्टून प्रिंटेड नज़र आ जाए तो कहेंगे मामा आई वांट टू बाय दिस वन, आई वांट टू बाय दिस वन एट एनी कॉस्ट। ट्रैफिक तो सब टाइम बहुत ज़्यादा शोर मचाता है और वो कहता है मुझे हर सूरत लेना है। तो आज के लिए इतना ही, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपको मिलूँगी एक और
ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.